अज्ञात चोरों ने सुने मकान का ताला तोड़कर हजारों के माल पर अपना हाथ साफ कर मौके से फरार हो गए, जिसकी सूचना मकान मालिक द्वारा मंडी थाने में दर्ज करा दी गई है। चोरी की वारदात की जानकारी देते हुए रईस कुरैसी ने बताया कि उनका मकान चेतनपुरा बाईपास पर स्थित है, जिसका अज्ञात चोरों ने सुने मकान का ताला तोड़कर नकदी चांदी के सिक्के सहित हजारों के माल पर अपना हाथ साफ कर दिया, जिसका आवेदन उनके द्वारा मंडी थाने में दिया गया है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शफीक खान। क्या घर की चोरी हुई आपके यहाँ? आज सुबह देखा मैंने आके तो आगे का नगीचा काट कर तो ताला तोड़ के अंदर घुसे, ऐसा दिखा मेरे को तो मैं ताला खोल के फिर अंदर आके देखा ऐसा सामान बिखरा हुआ था चारों तरफ। मैंने फिर आपको पुलिस को और मीडिया को फोन किया, आके देखा सामान वामान जो सब चारों तरफ पूरे घर में बिखरा हुआ, दोनों अलमारी लाकर तोड़ रखे, कभी पेटी गया भी ताला वाला खोल के सामान बिखेर रखा। मुझे सामान कोई विशेष सामान गया नहीं है, कोई थोड़ा सा नकदी था और चांदी के सिक्के और पैसे वगैरह ये थी वो ले गए। नकदी कितने की थी? नकदी ज़्यादा नहीं, 10-12 हज़ार रुपये नकदी। और चांदी के सिक्के? 4 या 5 चांदी के सिक्के थे और एक पैसे। अच्छा, तकरीबन कितने की चोरी हो गई है? 15-20 हज़ार रुपये। अच्छा, किसी पे शक वगैरह? नहीं, कोई शक नहीं, हम तो यहाँ कोई रहता नहीं है। चल मैं तो हम क्या बैठूँगा, गवर्नमेंट कॉलोनी में रहते, मेरे लड़के का मकान है तो मैं 2-4 दिन में एक बार यहाँ आके चक्कर लगा के देख जाता हूँ। आज सुबह में आया था तो मैं अंदर से ऐसा दिखा मेरे को, तो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया और मीडिया को भी बुलाया। यहाँ खाली यहाँ रहता नहीं है कोई, कभी एक बच्चे कभी कभार रातें कभी सोते हैं, कभी कभी काम से कहीं जाना रहता तो नहीं सोते। क्या नाम आपके लड़के का जो यहाँ रहते हैं? अमन। अमन भाई, क्या हुआ आपके यहाँ? ये चोरी होती रहती है यहाँ पे, इसके पहले भी एक बार चोरी हुई थी, तो छत पे थे जो हमारे लोहे के पलंग वगैरह थे तो वो लेके गए थे यहाँ पे, जिसके खिलाफ मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी लिखवाई थी, उन्होंने कहा था एक आवेदन आप दे दीजिए, तो उसके बाद इसका कुछ निराकरण नहीं हुआ। और अभी फिर नाना जैसे कि आके चेक करते रहते हैं यहाँ पर, उन्होंने आके चेक किया सुबह तो ये ताला टूटा था, फिर उन्होंने मुझे कॉल किया इसके रिगार्डिंग, तो मैंने आके चेक किया यहाँ पे तो सब सामान वामान सब बिखरा हुआ था और ताला टूटा हुआ था, तो फिर उसके बाद मैंने पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस ने कहा पहले आप एक बार चेक कर लीजिए, जांच कर लीजिए क्या क्या गया है सामान, उसके बाद फिर हम चेक कर। इसके पहले कब चोरी हुई थी? इसके पहले करीबन 2-3 महीने पहले चोरी हुई थी। उस टाइम क्या गया था? उसके पहले तो यहाँ पे पलंग उमर ऊपर छत पे पलंग रखे हुए थे लोहे के, वो उतार के ले गए थे, और उसके पहले भी पास में यहाँ पे जो हमारी दुकान थी एक शॉप थी इसकी गेहूँ की, और ये उस टाइम आज से करीबन 3-4 साल पहले यहाँ पे भी चोरी हुई थी, इसमें 70-80 हज़ार रुपये के जो सोयाबीन थे उसकी बोरियाँ यहाँ से लेके गए थे। अभी फिलहाल कब आए यहाँ पर आप? बस अभी आधे घंटे पहले यहाँ पे आए। क्या क्या मिला फिर आपको जी यहाँ पर चोरी में, क्या मिला आपको? ये चोरी में देखा गया सब, जैसे जो लेडीज़ की जो ज्वेलरी वगैरह थी, चांदी के सिक्के वगैरह रखे थे, और जो कुछ कैश भी रखा हुआ था जैसे कि सैलरी वगैरह हमारे आते थे हम आते थे तो वो सब यहाँ पे मिला नहीं, सब गायब है। और जितने भी जो अलमारी है उनके ताले वगैरह टूटे हुए हैं, और हमारी जो पलंग पेटी है उसमें से भी सब खोल खुला के सामान होता है, आराम से पूरा चेक किया गया और सब निकाल के लेके गए। किसी को शक वगैरह है क्या आपको? जी शक तो ये इसका आस पास यहाँ पर जैसे कि लोग यहाँ पे गांजा वांजा पीते हैं, उनके शक है कि वो ही कर सकते हैं ये काम, और उसके बाद फिलहाल देखना पड़ेगा पुलिस जैसे भी जाँच करती जो भी है उसका कैमरा चेक किया जाएगा। रंगोली गार्डन के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दिया? अभी पुलिस वाले पास गया था, उन्होंने कहा अभी आप पहली बार चेक कर लीजिए, उसके बाद फिर आप रिपोर्ट।
पार्षद प्रतिनिधि के रूप में वार्ड नंबर 7 से हूँ, क्योंकि रईस भाई मेरे पड़ोसी हैं और इससे पूर्व भी यहाँ पर एक चोरी की वारदात हो चुकी है जहाँ पे सोयाबीन वगैरह चोर के लोग ले गए हैं। और हमारे पड़ोसी जो पास में रहते हैं इनके यहाँ पे नकुचा वगैरह तोड़ दिया गया और तोड़ के अंदर उन लोगों ने घर के अंदर सामान बिखरा हुआ पड़ा रहा। इनके घर के जस्ट पीछे एक पूरा एक वैकेंट एरिया है और उस वैकेंट एरिया में आए दिन ये कुछ लोग इस तरह के हैं जो झंडू वगैरह लोग हैं, जो वाइन वगैरह पीते हैं, जुआ वगैरह ये सब पीछे गलियों में खेलते हैं, और वो लोगों ने इसका मौके का फ़ायदा उठाया। और मुझे पूरी आशंका है कि उन लोगों ने ये सारी पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है और ये चोरी उन लोगों के संदिग्ध हैं, उन लोगों का हाथ है। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता था चाहता हूँ कि ये जो एरिया है चेतनपुरा बाईपास रोड का, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए जिससे कि ये जो चोरियाँ वाला प्रकरण, यहाँ पे दिल्ली और मुंबई और बड़े बड़े लंबे दूरी से गाड़ियाँ भी चलती है, उन गाड़ियों का स्टॉपेज रंगोली गार्डन के यहाँ है और वो लोग यहाँ पर उतरते हैं और परिवार सहित वो पैदल ही पैदल, क्योंकि ऑटो रिक्शा वगैरह तो रहती नहीं है, तो वो पैदल ही पैदल डीलक्स वगैरह है, जनता है, इस तरह की गाड़ियाँ स्टेशन पे यहाँ से 5-7 मिनट 10 मिनट लगते हैं। तो एक पूरा वेकेंट एरिया है, यहाँ सीसीटीवी कैमरा अगर लग जाता है तो लोगों को बहुत राहत मिलेगी।